नमस्ते गाइस, तो सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी स्टारर टाइगर 3 का ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर में हमें हमारे सल्लू भाई जान अपने ओरिजिनल अंदाज में देखने को मिल रहे हैं। और वहीं पिछली टाइगर मूवीज की तरह इस मूवी में भी हमें कैटरीना कैफ एक्शन में देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन वही इमरान हाशमी शायद अपने करियर का सबसे अलग रोल इसमें प्ले करने वाले हैं, जो कि वो इस मूवी में एक पाकिस्तानी एजेंट बने जो कि इस मूवी का एक विलन भी है। और ये पूरा ट्रेलर काफी सारे एक्शन सीन से भरा हुआ था और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ये ट्रेलर कैसा था और ये हमें मूवी के बारे में क्या क्या हिंट दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस मूवी की स्टोरी क्या हो सकती है। तो भाई अपना टाइगर जो कि पठान के इवेंट्स के बाद अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी से जी रहा होगा, जहाँ पे उसका जो बेटा है वो पिछली मूवी से बड़ा भी हो चुका है, लेकिन उसकी इस हंसती खेलती परिवार को नजर लग जाएगी इस मूवी के विलन इमरान हाशमी की, जहाँ पे हमें इमरान हाशमी का एक डायलॉग सुनने को मिलता है जहाँ पे वो कह रहा है कि उसकी फैमिली से टाइगर ने उसे जुदा कर दिया था, तो अब वो बदला लेने आया है टाइगर से। तो शायद यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है कि टाइगर ने पास्ट में अपने किसी मिशन के दौरान इमरान हाशमी की फैमिली को मार दिया होगा, या फिर कुछ और भी हो सकता है जिसका बदला लेने इमरान हाशमी अब टाइगर से आ चुका है और वो भी टाइगर से उसकी फैमिली को जुदा करना चाहता है, जहाँ पे शायद इमरान हाशमी का कैरेक्टर दिमाग लगा के टाइगर के लिए एक जाल बुनेगा और शायद उस जाल के पकड़ में टाइगर आ जाएगा। और इस मूवमेंट के बाद जो इमरान हाशमी का कैरेक्टर है वो उसकी वाइफ यानी कैटरीना कैफ और उसके बच्चे को पकड़ लेगा और यहाँ पर इमरान हाशमी टाइगर के सामने एक शर्त रखेगा जो कि ये कि उसे या तो देश को चुनना है या फिर अपनी फैमिली को, और शायद इस मूवमेंट पे टाइगर अपनी फैमिली को चुनेगा और इस चीज का फायदा उठाएगा इमरान हाशमी, जहाँ पे वो दुनिया भर में ये बात फैला देगा कि टाइगर ने अपने देश को धोखा दिया है और सब उसे देशद्रोही बोलेंगे। लेकिन इतना करने के बाद भी जो इमरान हाशमी का कैरेक्टर है वो फिर भी टाइगर की फैमिली को आजाद नहीं करेगा, तो टाइगर खुद निकल पड़ेगा पाकिस्तान अपनी फैमिली को आजाद करने। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब कैटरीना कैफ है वो खुद में एक बहुत बड़ी एजेंट है, तो वो भी अपनी तरफ से ट्राई करती रहेगी इमरान हाशमी के जाल से बाहर निकलने के लिए। लेकिन इस मूवी के क्लाइमेक्स तक इमरान हाशमी इन दोनों को बंदी बना लेगा और निकल जाएगा इंडिया पे हमला करने। एवरी इंडियन पेट्रियोटिक मूवीज थिंक। लेकिन इस मूवमेंट में टाइगर के करम उसके काम आएंगे, जहाँ पे उसने पठान मूवी में जाके पठान की जान बचाई थी, तो पठान का फर्ज बनेगा टाइगर को आगे आजाद करने का, तो वो इस मूवमेंट के दौरान टाइगर को बचाने आएंगे और वो दोनों निकलेंगे इमरान हाशमी को मारने। लेकिन ये एक मासी मूवी है तो इस मूवी की स्टोरी ज्यादा इस मूवी का एक्शन मैटर करता है और इसके ट्रेलर में हमें काफी सारे एक्शन सीन्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले तो सलमान खान का ये मोटरसाइकिल वाला एक्शन सीन, इसके बाद ये ब्रिज वाला एक्शन सीन जो कि देखने में काफी ज्यादा मासी लग रहा है, और वहीं ये हेलीकॉप्टर वाला एक्शन सीन जो कि काफी बेडेस लग रहा है। लेकिन सलमान खान के इन सभी एक्शन सीन पे भारी पड़ेगा कैटरीना कैफ का ये वाला एक्शन सीन, लौंडो गला साफ करके जाना, आप बहुत चिल्लाने वाले हो। लेकिन वहीं अगर हम इस मूवी के विलन यानी कि इमरान हाशमी की बात करें तो उनका जो कैरेक्टर होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होने वाला है, जो कि गुस्से से नहीं बल्कि अपने दिमाग से काम लेता है, और ऐसे काइंड ऑफ विलन मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है जो कि हीरो को फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली टॉर्चर करें। लेकिन आपको ये ट्रेलर कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप, मैं और हम सभी सिनेमा के दीवाने हैं मिस्टर मैन।